नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है चंद्रकांत ठाकुर। दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पे एक सीरीज लेके आया हूँ जिसका नाम है रिवर्स ऑफ हिमाचल। यहाँ पर हम हिमाचल प्रदेश की सभी इम्पोर्टेंट रिवर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। मेरा पिछला वीडियो चिनाब और रावी पे था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो में हम ब्यास और यमुना के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर नजर डालेंगे। दोस्तों, शुरू करने से पहले, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले बात की जाए ब्यास नदी की, इसका जो सोर्स है वो रोहतांग के पास है, ब्यास कुंड से है। इसका जो संस्कृत नाम है वो विपाशा है, और इसके वैदिक नाम की बात की जाए तो ब्यास का वैदिक नाम है अर्जिक्य। पजौरा के पास ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर करके संधोल के पास मंडी को पीछे छोड़ के कांगड़ा में प्रवेश करती है। जिस स्थान पे ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में एंटर करती है उस जगह का नाम है हारसी पतन। मिर्थल के पास ये हिमाचल से निकल के पंजाब के मैदानों में पहुंच जाती है, और अंत है हरि के पतन के पास, सतलुज में समा जाती है। ब्यास हिमाचल में 256 किलोमीटर का लंबा सफर तय करके पंजाब में एंटर कर जाती है, जो इसकी कुल लंबाई है वो 460 किलोमीटर के करीब है। इसके कैचमेंट एरिया की बात की जाए तो 13,663 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। अगली स्लाइड में नजर डालेंगे इसकी कुछ सहायक नदियों पर। तो पहला नाम है पार्वती। पार्वती का उद्गम स्थान मणिकर्ण के पास है। पार्वती ब्यास को समसी के पास ज्वाइन करती है। अगली बात करें पत्नी कुल की, तो ये पीर पंजाल से निकलती है जो मनाली के पास ब्यास को ज्वाइन करती है। उसके बाद सेंच सेंज रिवर, ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, ये वी शेप वैली फॉर्म करती है। अगली ट्रिब्यूटरी है सुकेती। सुकेती की बात करें तो सुकेती का ओरिजिन धौलाधार रेंज से है। अगली ट्रिब्यूटरी है तीर्थन, ये जिस स्थान पे ब्यास को ज्वाइन करती है उस जगह का नाम है लारची। अगला नाम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है ऊल रिवर, जो कि ब्यास को मंडी के पास ज्वाइन करती है। अगली ट्रिब्यूटरी है आवा, उसके बाद बनेर, इसका उद्गम स्थान पालमपुर के पास है। बाणगंगा की बात की जाए तो ये धौलाधार से निकलती है। चाकी और एक ट्रिब्यूटरी है ब्यास की, ये पठानकोट के पास पंजाब में एंटर करके ब्यास में मर्ज हो जाती है। अगली गजखड़, उससे अगली हरला, ये ब्यास को भुंतर में ज्वाइन करती है। और कुछ सहायक नदियां हैं जिनके नाम है लूनी रिवर, मौनी रिवर, मनोनी रिवर और न्यूगली न्यूगल। अगली स्लाइड, इस स्लाइड में हम नजर डालेंगे ब्यास पे बने हाइड्रो प्रोजेक्ट पे। तो सबसे पहले बनेर, ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो 12 मेगावाट है। उसके बाद पार्वती, इसकी कैपेसिटी 2051 की है और इसकी लोकेशन है कुल्लू। अगला बस्सी, जो कि जोगिंदर नगर में है। उससे अगला लारजी, इसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट की है, ये 2007 में तैयार हो चुका था। उसके बाद पोंग, इसे ब्यास प्रोजेक्ट यूनिट 2 भी कहते हैं, ये 1974 में तैयार हुआ था। अगली स्लाइड में देखेंगे पंडो, ये ब्यास प्रोजेक्ट 1 है, ये मंडी डिस्ट्रिक्ट में है, 1977 में ये तैयार हो चुका था। दो और प्रोजेक्ट हैं जो कि है न्योगल और गच, ये दोनों कांगड़ा में हैं। यमुना की बात की जाए तो इसका उद्गम स्थल उत्तराखंड में है, ये सप्तऋषि कुंड से निकलती है। हिमाचल में यमुना खद्दर माजरी के पास एंटर करके 22 किलोमीटर हिमाचल में बहकर ताजेवाला के नजदीक हरियाणा में प्रवेश करती है। 2320 स्क्वायर किलोमीटर का इसका कैचमेंट एरिया है। यहां हम अगली स्लाइड में देखेंगे यमुना की कुछ ट्रिब्यूटरीज। सबसे पहले आंध्रा, आंध्रा रिवर चिरगांव के उत्तर पूर्व से निकल के पब्बर के साथ जुड़ के तोंस में मिल जाती है। मार्कंडा रिवर, ये भी एक यमुना की सहायक नदी है। जलाल रिवर, बात की जाए तो ये गिरी की ट्रिब्यूटरी है। आगे बात करेंगे गिरी की, जो कि जुब्बल के पास ऊपर पीक से निकलती है और यमुना को मोकमपुर के पास ज्वाइन करती है। उससे अगली ट्रिब्यूटरी है असनी। तोंस पे नजर डालें तो ये यमुना को जिस जगह पे ज्वाइन करती है उस जगह का नाम है कलसी। रूपिन और सुपिन मिलके तोंस बनाती है। पब्बर, ये तोंस की एक सहायक नदी है जो कि उत्तर पूर्वी शिमला से निकलकर तोंस में मर्ज हो जाती है। दो और सहायक नदियां हैं जिनके नाम है बाटा और पत्सारी।
बात की जाए यमुना पे बने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की, तो पहला नाम है आंध्रा, ये रोहडू तहसील में जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी है 16.5 मेगावाट। अगला है गिरिनगर, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी कैपेसिटी की बात की जाए तो इसकी कैपेसिटी है 60 मेगावाट की। और लास्ट में गुम्मा प्रोजेक्ट, ये कुछ यमुना पे बने हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। ये था ब्यास और यमुना नदी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगा हो। मैं आगे भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूंगा। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और बढ़ते रहें। धन्यवाद।